मैं रितु चौबे, और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक महिला हूँ और एक डिसेबल महिला हूँ। एक डिसेबल महिला किस तरह से अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में या समाज में किस तरह से सफर कर सकती है, बचपन से लेके आज तक, यहाँ तक। आज मैं जॉब करती हूँ और पिछले 14 साल से मैं जॉब में हूँ, और मेरे दो बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड भी डिसेबल है। तो इन सब चीज़ों को मैंने किस तरह से सर्वाइव किया है। बचपन में जब मेरी पैदाइश हुई, उस समय मैं अपने माँ बाप की तीसरी बेटी थी, और बेटी को देखने के बाद लोगों की नज़र में क्या होता है, वो भी माँ बाप की तीसरी बेटी। पापा बहुत ज़्यादा रोए थे, और जन्म के 10 महीने के बाद मुझे पोलियो हुआ। दो बच्चे हैं मेरे। आज उन सब चीज़ों को मैं समझ रही हूँ कि जब बच्चों में कोई प्रॉब्लम होता है तो माँ बाप पे क्या देखते हैं। फिर भी माँ बाप ने हार नहीं माना, जितना हो सका उन्होंने मेरे लिए किया। उसके बाद मेरी शादी की बारी आई। आई कांट बिलीव कि कोई सा विश्वास नहीं कर सकता है जिस तरह से मैंने फेस किया। कोई भी अपने घर में एक डिजेबल वुमेन, एक लड़की को लाने की कोशिश नहीं करता था, सुनने की कोशिश नहीं करता था कि आपकी बेटी डिजेबल है। लाख हुनर है, लेकिन एक डिजेबल वुमेन को अपनी बहू बनाने की कोई भी तैयार नहीं था। अंततः मेरी शादी एक डिजेबल मैन से हुई। शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम भी था उनको। एक साल तक मैं डिप्रेशन में रही। फादर डॉक्टर से बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, फिर मैं बहुत मुश्किल से मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया। शादी के बाद खबर में शादी हुई, मतलब कंप्यूटर का कोर्स किया मैंने। इंटरमीडिएट तक मैंने पढ़ाई की शादी के बाद। फिर बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद हस्बैंड कुछ करते नहीं थे, वो बेरोजगार थे। स्थिति बहुत बुरी होने लगी, तब मैंने जॉब का सोचा। घर से बाहर निकली जॉब के लिए, कोई भी नहीं चाहता था। छोटे से शहर में मोहनिया में मैं रहती थी, और बहुत छोटा सा शहर था, छोटी से जगह में जॉब और नौकरी, प्राइवेट जॉब जिसके पास सिर्फ इंटरमीडिएट की पढ़ाई हो, बहुत मुश्किल है। मुझे कोई, हर लोग ये चाहते थे कि मेरे घर की बहू जॉब ना करे। 2004 की बात है, नहीं चाहते थे, न घर वाले चाहते थे, न बाहर वाले चाहते थे कि मैं किसी डिसेबल वुमन को अपने यहाँ रखूँ। मेरी मन में एक ही सवाल था कि मैं हर तरह से सक्षम हूँ, मैंने पढ़ाई की है, मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया है, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, फिर मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। पता चला कि हमें स्मार्ट वुमन चाहिए, तो उनके काम की क्षमता नहीं, आपकी डिजेबिलिटी को वहाँ आता जा रहा था कि आप डिजेबल हो, एक स्मार्ट वुमन नहीं हो। फिर भी मुझे जॉब मिला, मैंने 900 से अपना काम शुरू किया। मैं एक रिसेप्शनिस्ट थी। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए, वहाँ पे मैंने देखा लोगों की मेंटेलिटी वही है। समय बदल गया, लोग छोटे स्मार्टफोन यूज करने लगे, बहुत ज़्यादा सुविधाएं बढ़ने लगी, लेकिन दिमाग उन लोगों का वही था कि एक औरत जॉब क्यों कर रही है, एक औरत काउंटर पे क्यों बैठ रही है, क्यों है वो काउंसलर, वो लोगों को एंटरटेन कर रही है। लोगों के दिमाग में ये था। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे शायद मैं और भी ज़्यादा मानसिक तौर पर परेशान हो जाऊँगी, और होती जा रही थी। फिर मैंने पटना की कोशिश करी, पटना में मेरा इंटरव्यू हुआ। मैं यहाँ पे भी मैंने बहुत सर्वाइव किया। 2 साल मैंने यहाँ पे सर्वाइव किया। मैं यहाँ आती थी, लोग इंटरव्यू के समय ये सब कहते थे कि आप कैसे जॉब कर सकती हैं, आप तो चल नहीं सकती हैं। मैंने कहा कि मैं चल नहीं सकती हूँ, बट मैं कंप्यूटर का काम जानती हूँ, मैं काम जानती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ। बट लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसी वुमेन नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी वुमेन चाहिए जो कि चल सके। मैंने कहा आपको खेलना है, आपको खिलवाना है, दौड़ कराना है। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमारे यहाँ मानसिकता है कि हम किसी डिजेबल वुमेन को अपने यहाँ जॉब पे नहीं ले सकते। लेवल के CNF में, और वहाँ मैं 2009 से जॉब कर रही हूँ। पहले मैंने एज अ सिस्टम एडमिन, सिस्टम ऑपरेटर ज्वाइन किया था, उसके बाद फिर मैं अकाउंटेंट बनी। अभी मैं एज असिस्टेंट ऑफ फाइनेंस एक्जीक्यूटिव हूँ वहाँ पे पिछले 8 साल। फिर मेरे दिमाग में आया 2012 में कि मुझे, मेरी तो जॉब हो चुकी है, मैं तो अपनी जिंदगी धीरे धीरे सर्वाइव कर रही हूँ, बट मुझे लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। मैंने एक दो मीटिंग्स अटेंड किए जो कि अखबारों के द्वारा होते थे, तो मुझे वहाँ लगा कि नहीं, मुझे भी समाज में खड़ा होना चाहिए, और मैं खड़ा हो सकती हूँ, खड़ी हो सकती हूँ, कई लोगों को आगे लाने की कोशिश कर सकती हूँ। मुझे देखकर अगर 2 लोग भी खड़े होते चलने लगे जो अपनी जिंदगी से हार मान चुके हैं, ये सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट होगी। मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बाहर जा सकूँ, मैं लोगों को अवेयर कर सकूँ बाहर निकल के। फिर मैंने सोशल साइट्स का सहारा लिया, फेसबुक मैंने ग्रुप बनाया, वहाँ तकरीबन 1 लाख मेंबर्स थे उस समय, और अभी तो वो काफ़ी बड़ा रूप ले चुका है। फिर मैंने व्हाट्सएप के जरिए निजी लोगों की, लड़कियों की मदद करनी शुरू करी। मुझे जहाँ भी लगता था कि लोगों को ज़रूरत है, मैं मोटिवेट कर सकती हूँ, अवेयर कर सकती हूँ, वो मैंने किया। उसके बाद शादियाँ हुई,
दिव्यांगों की शादी हुई उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लोगों की मदद की उसमें। 2016 में एक मैंने ब्यूटी पेजेंट किया था मिसेस ग्लोबल बिहार, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया। आप लोगों ने पूछा कि आप रैप वॉक करेंगी, आप कैसे कर सकती हैं? उसके मेंबर्स ने कहा कि साइड होके खड़े हो, तुम क्या करोगे, तुमसे कुछ नहीं होगा। फिर भी मैंने हिम्मत रखी और मुझे मोस्ट कॉन्फिडेंट का अवार्ड मिला। दैट टाइम मेरी जिंदगी का शायद वो सबसे खूबसूरत दिन था और मैं उसे सबसे अच्छा दिन मानती हूँ कि उतने लोगों के बीच में मुझे जब कॉन्फिडेंट का अवार्ड दिया गया तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं और भी आगे बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिर 2017 में मैंने अपना ट्रस्ट बनाया और 31 दिसंबर को मैंने एक नववर्ष मिलन समारोह कराया जिसमें ट्रांसजेंडर और डिजेबिलिटी पे मैं डिजेबल लोगों को मैंने वहाँ पे लाया। वहाँ पे लाकर उन लोगों को मैंने एक नववर्ष मिलन समारोह कराया। लोग एक दूसरे को जाने पहचाने और ये दो कम्युनिटी ऐसी थी जिससे लोग बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और करते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि आगे ये लोग कर पाएंगे। दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है और ये उम्मीद है कि आगे भी बदलाव आएगा। हम लोगों ने मैंने एक कैंसर पीड़ित की भी मदद की। कैंसर पीड़ित सोशल साइट से ही मुझे पता चला कि कोई हमारे एक शहर में एक लड़की है जिसे कैंसर है और उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है और उसके पास पैसे भी नहीं है कि वो अपना दवाई का खर्च उठा सके। उसका एक बेटा है 2 साल का। मैंने उस बेटे को देखा, मुझे लगा कि नहीं, बच्चे को माँ की ज़रूरत है और मैंने कोशिश करी। उसी रात मैंने कोशिश की सोशल साइट्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे, पेपर में, मुझे जहाँ लगा कि मैं कर सकती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उसका इलाज खुद से करवा सकती थी, बट मैंने लोगों के आगे ये बात रखी, मदद की गुहार की और सोशल साइट्स के जरिए लोगों ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया कि आज भी उसके पास पैसे आ रहे हैं, लोग उससे मिलते हैं और उस लड़की के की जिंदगी में हिम्मत आ गई है। अब वो कहते हैं कि दीदी मैं जीना चाहती हूँ, आपने मुझे खुश रहना सिखाया, अब मैं जीना चाहती हूँ। वो बच्चा भी, उस बच्चे का भी हम लोगों ने एडमिशन कराया है प्ले स्कूल में, वो अभी पढ़ रहा है। अभी मेरा प्लान है कि मैं डिजेबल के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोजगार की, नौकरी मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया, लोग किस तरह से इग्नोर करते हैं नौकरी के लिए, तो मेरी कोशिश है कि ट्रांसजेंडर के लिए और डिजेबल के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे उन्हें अपनी नौकरी के लिए 10 रुपये कमाने के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े और वो जिस ही भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं। कुछ ऐसा करूं कि लोग 10 रुपया कमा सके, अपने परिवार की परवरिश कर सके, समाज में सर उठा के जी सके। तो साथ चलने में विश्वास रखते हैं, एक दूसरे के साथ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं।